कैंडिडेट भानु भूरिया इस समय मेरे साथ में है। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में हमने इनको रोका है। कुछ मुद्दे हैं जो ताज़ा मुद्दे हैं, सवाल हैं जो कांग्रेस की ओर से भी खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भानु भाई, पहला सवाल कल आपको घेरने की कोशिश की है सचिन यादव ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आपकी माँ का 1,03,809 रुपया माफ़ हुआ है, इसलिए कर्ज माफ़ी की न होने का जो दावा है बीजेपी का वो झूठा है। बहुत बहुत धन्यवाद झाबुआ लाइव का। ये साबित होता है कि कृषि मंत्री इतने हद तक नीचे तक जाकर मेरे घर परिवार के बारे में छानबीन कर रहे हैं और वो हार की बौखलाहट से मेरे परिवार के, मेरी मम्मी के नाम से उन्होंने पूरी तरह से पूरे विलंब बैक डेट में सारे प्रशासन से मिलकर मुझे जबरन मेरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरी प्रशासन तंत्र का उपयोग करके इस प्रकार का झूठा कर्ज माफ़ी का ये सारी चीज़ें लाने का प्रयास किया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। एक कृषि मंत्री और एक राष्ट्रीय नेता इस चुनाव की हार की बौखलाहट को देखकर इस प्रकार कर जाना मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप ये मानते हैं कि सरकार खुद इसमें रुचि ले रही थी प्रशासन के साथ और चुनाव के पहले ही जारी किया गया? निसंदेह, बिल्कुल। इनको पहले तक तो कुछ ऐसा अंदेजा नहीं था, लेकिन जब इनको लगा कि चुनाव पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है तो इन्होंने प्रशासन का उपयोग करके मेरे परिवार के ऊपर मेरी मम्मी के नाम से झूठा इस प्रकार का कर्ज दिखाया है और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये साबित होता है कि ये कितने हद तक झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस के मंत्री ने, कृषि मंत्री ने साबित कर दिया कि वो कितने झूठे हैं। अच्छा, चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आप फील्ड में जा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? अब कल शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। बहुत शानदार फीडबैक है। कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस पूरी तरह से, उनको जब जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो यहाँ के प्रशासन का उपयोग कर रहा है। आप देखिए, जब मैं गाँव में जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग बता रहे कि यहाँ पर बिजली के बिल जो है 12 से 15 तारीख के बीच में बढ़ जाते हैं, लेकिन आज तारीख तक, अभी वर्तमान तक अभी बिजली के बिल नहीं बटे। भैया, पहले आप बांट देते थे, अब क्या दिक्कत है आपको? भाई, बिजली का बिल आप इस प्रकार से बांटो ना, आपको दिक्कत क्या है? और ये बांटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इनको मालूम है कि वो बिजली दे नहीं पा रहे हैं और बिल बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं, तो जनता उनसे नाखुश है, उनका एक और मतलब झूठ पीछे चला जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने आज तक कर्ज माफी वाले विषय में मैं वापस आता हूँ, तो उन्होंने जो समूह की महिलाओं से वादा किया था, स्वयं सहायता समूह से वादा किया था, वो वादा पूरा झूठ हुआ। अब वो उन समूह के पास जा रहे हैं प्रशासन के माध्यम से और उन समूहों को बेवजह परेशान करके उनके खाते में अभी 25,000 रुपये डाल के उन महिलाओं को बोला जा रहा है कि आप ये पैसे नीचे जाके बांटो और मेरे पक्ष में मतदान कराओ, ऐसी वो अपील कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, स्वयं कांतिलाल भूरिया एक बैंक के कर्मचारी को धमकाने गए और उसको इस हद तक धमकाया कि मैं तेरे को देख लूंगा, तू महिलाओं को लोन नहीं दे रहा है, तू ये पैसा नहीं दे रहा, तू पैसा क्यों नहीं बांट रहा, इस प्रकार के धमकाया। फिर उस कर्मचारी ने उनको जवाब दिया कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए ना, तो उनको उसको तलब किया कि आप मेरे को पेट्रोल पंप पर आकर मिलना। व्यक्ति वहाँ तक तैयार हो गया, बोले मैं आप जहाँ बोलो वहाँ पर आने को तैयार हूँ, तो ये बौखला कर सीधे उस बैंक में पहुँचे और बैंक में जाकर उसको डराने का प्रयास किया, लेकिन मेरा वो कर्मचारी डरा नहीं, उनने पूरा सच बताया कि भाई आज आप तत्काल में ये राशि डलवाने की बात कर रहे हो, आप इतने समय तक कहाँ गए थे? जब महिलाएं पहले से परेशान थी, आज आप उस महिलाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और हम तो पूरे नियम से बात करेंगे, ऐसा करके उस कर्मचारी ने उसको टाला, तो उसको बहुत दबाव बनाकर उसको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार हर विभाग के कर्मचारी को अब प्रशासन पूरी तरह से अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई आयोग को अधिकृत तो शिकायत की नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है, कांतिलाल भूरिया और भानु भूरिया में यह फर्क है। मैं किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आज सरकार के दबाव में वो कर्मचारी उनके दबाव में आएगा, लेकिन उनके मन की भावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। वे जरूर उनको डरा धमका लेंगे, लेकिन मैं
उनका नुकसान नहीं चाहता हूँ, वो भले उनके साथ में वो डरा धमका के उसको ले जा रहा है, आज अगर मैंने शिकायत करी तो चुनाव आयोग उस कर्मचारियों के ऊपर नुकसान पहुँचाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी मेरे कर्मचारी का, किसी मेरे क्षेत्र के व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। ये मुझ में और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फ़र्क है, इसलिए मैं किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। वो मन से मेरे साथ है कांतिलाल जी, और कांग्रेस चाहे कितना भी कर्मचारियों को प्रेशर बना ले, वो उनके साथ कभी जाने वाले नहीं है। ये इस प्रकार की हरकतें करना बंद करें, वरना क्षेत्र में इनके लिए बहुत आगे और दिक्कत आएगी। ये चुनाव तो ठीक है, लेकिन आगे समय काफ़ी ऐसी परेशानी आएगी। अभी तो ये सरकार के दबाव में उनको डरा लेंगे, लेकिन बाद में उसका जवाब उनको बहुत तगड़े रूप में मिलेगा। आज कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं? आज और कल बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। आज माननीय हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी आने वाले हैं, और अन्य हमारे बड़े नेता यहाँ पर लगे हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए लगातार क्षेत्र में जुटे हुए हैं। तो ये थे भानु भूरिया, जो बता रहे थे कि जो किसान, उनकी माँ का कर्ज माफ़ी का जो दावा है कांग्रेस का कृषि मंत्री का, वो झूठा है। बैकडेट में फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसको जारी किया गया है, ऐसा इनका आरोप है। जनता किसकी मानती है ये 24 तारीख तय करेगी। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव की हर बारीक खबर को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।